हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो माय सेल्फ अनु पांडे, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। ओके, सो आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो यू नो टर्म टू में एक हमारा टॉपिक है राइटिंग सेक्शन का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। सो आज हम वही करने वाले हैं। सो ये 3 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। तो अगर आपको ये आ गया तो यू नो यू विल स्कोर 3 मार्क्स, एंड यू नो एवरी मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट स्टार्ट। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनविटेशन। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनविटेशन। यू नो व्हाट इज इनविटेशन? इनविटेशन इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। ओके, इट इज़ यूज फॉर इन्वाइटिंग पीपल टू फंक्शन, सेलिब्रेशन एक्सेट्रा। तो हम इसको एक ये बहुत ही शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, और इसको हम आपके घर पे भी आता होगा, यू नो आपको किसी ने इन्वाइट किया, नो वेडिंग में किसी ने आपको इन्वाइट किया तो शादी का कार्ड आता है, राइट? या बर्थडे पार्टी में अगर आपको कहीं पे इन्वाइट किया तो बर्थडे का इन्विटेशन आता है, या आपने अपनी बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन कहीं पे दिया तो आप एक इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं। तो उसी को हम इनविटेशन बोलते हैं, और वैसे ही हमें इनविटेशन क्रिएट करना होता है एंड रिप्लाई। सो वी विल फर्दर डिस्कस इट्स रिप्लाईज एज वेल। सो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर्मल इनविटेशन। सो बेसिकली इनविटेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इनविटेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन, सेकेंड इज इनफॉर्मल इन्विटेशन। सो फॉर्मल इन्विटेशन आर यूजली कार्ड्स, राइट? वेडिंग कार्ड्स होगा, आपने देखा होगा, या आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, आपने देखा होगा इनविटेशन कार्ड होता है। एंड देन इनफॉर्मल इन्विटेशन और शॉर्ट लेटर्स, तो इट्स लाइक इनफॉर्मल लेटर की फॉर्म में होता है। वी विल डिस्कस दिस लेटर। ओके, सो या लेट्स डिस्कस व्हाट इज फॉर्मल इन्विटेशन फर्स्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग स्टार्ट द फॉर्मल इन्विटेशन, वी शुड नो द व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्विटेशन। सो यू नो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्विटेशन? So an invitation is a complete information. It should consist complete information, like it answered the question like who, whom, when, where, what time, and for what. Like for example, like you have everything is mentioned in the invitation, like occasion, name of the invitee, name of the host, date, time, venue, everything is mentioned in the invitation. So the important component of an invitation therefore are occasion, name of the invitee, name of the host, date, time, venue, name of the chief guest or special invitee in case of an official invitation. Okay, so आपने देखा होगा कि chief guest वगैरह हम अपने annual function में invite करते हैं, तो वो सब मेंशन करना है हमें। अगर हम कोई चीफ गेस्ट बुला रहे हैं तो उसका नाम हमें मेंशन करना होता है, ठीक है? अब व्हाइल राइटिंग फॉर्मल इनविटेशन यू शुड रिमेम्बर सम पॉइंट्स। सो इट शुड बी वेरी फॉर्मल इन फॉर्म एज वेल एज इन लैंग्वेज। बहुत ही फॉर्मल टोन होना चाहिए। अ पोलाइट एंड कर्टियस टोन, कर्टियस मीन्स सॉफ्ट टोन, शुड बी यूज। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत ही पोलाइटली हमें एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना होता है, बहुत ही फॉर्मल टोन में लिखना होता है, बहुत ही मेक श्योर आप पोलाइटली, वो राइटिंग स्टाइल जो है आपका पोलाइटली हो। एंड इट ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन, लाइक दे देयर, ओके, एंड ही शी। ओके, सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। द पर्सन हु एक्सटेंड द इन्विटेशन राइट his name, okay, then come the name of the person who is being invited, jo invite ho raha hai, jisko invite kiya gaya hai uska naam aayega, then date, venue, time should be clearly mentioned, okay, ye bahut hi important points hai ki date, venue, time always should be clearly mentioned, okay. इन केस द पार्टी इज ऑर्गेनाइज एट सम अदर प्लेस, मान लो आपकी रेजिडेंस में पार्टी नहीं है, कहीं और पार्टी है, आपने कोई बैंक्वेट हॉल बुक किया है लाइक अ होटल या बैंक्वेट हॉल एक्सेट्रा, सो देन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन
ओके अलोंग विद हिज कॉन्टैक्ट नंबर हैज टू बी क्लियरली मेंशन, राइट? देन सम फॉर्मल इनविटेशन लाइक द वेडिंग इनविटेशन कैरी द एक्सप्रेशन ऑफ आरएसवीपी. आपने देखा होगा लेफ्ट कॉर्नर पे आरएसवीपी हमेशा मेंशन होता है. इन इंग्लिश इट मीन्स, इट्स अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली, बट इन इंग्लिश इट मीन्स रिप्लाई इफ यू प्लीज, ओ प्लीज रिप्लाई. ओके एंड मेक श्योर यू डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ इन्विटेशन. इट यूजली इज 50 वर्ड्स ऑनली. ओके वेदर इट इज रिप्लाई और इट्स फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, द वर्ड लिमिट ऑलवेज शुड ऑलवेज बी 50 वर्ड्स. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. So this is the format of formal invitation. This is how you will write formal invitation. अब आपको एक box में लिखना है ये formal invitation. But make sure यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे two colors दिख रहे हैं, right? एक blue and black. तो जो black part है वो हमेशा as it is same इसी तरीके से आपको लिखना है. आप इसको दिमाग में बिठा लो इस format को और इस format से आप कोई भी formal invitation create कर सकते हो. आपके exam में कोई भी अगर question आता है फॉर्मल इन्विटेशन पे तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू विल स्कोर 3 out of 3 मार्क्स. ओके सो सी, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट. सो ब्लू कलर्स हम क्वेश्चन के डिमांड पे, क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैंशन करेंगे. ओके लाइक नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो हमारे क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है वो आएगा. देन द वर्ड इन्विटेशन इट्सेल्फ, आपको इसको बोल्ड लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, लाइक कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से आप मेंशन कर दो यू नो इनविटेशन है. देन नेम ऑफ द पर्सन हु आर इनवाइटिंग, उसके बाद आपको जो नेम ऑफ द पर्सन भी गिवन होगा क्वेश्चन में. देन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द स्टीम कंपनी ऑफ या सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी या कॉर्डियली इन्वाइट. तो आप इन तीनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज करके याद कर लो, दिमाग में रख लो और वही एक्सप्रेशन आप किसी भी फॉर्मल लेटर में इनविटेशन फॉर्मेट में आप लिख सकते हो. ओके जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसमें से. देन नेम ऑफ द इनवाइटी, देन ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, नेम ऑफ द ओकेजन. यहाँ पे आपका जो ऑस्पिशियस जो नेम ऑफ द ओकेजन है आपका, या तो बर्थडे पार्टी है, एनुअल फंक्शन है, कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके देन ऑन, फिर यहाँ पे डे, जो भी डे को हमारा ओकेजन हो रहा है. देन डेट, डेट का फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको. लास्ट का दो डिजिट जो है, दो डिजिट हमें ओमिट करना है, ओमिटेड फॉर्म में लिखना है, लाइक 20XX. ओके एट कहाँ पे है, कितने बजे है वो भी मेंशन करना है. डे डेट टाइम वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डे, देन डेट, एट टाइम, एट वेन्यू. And in the left corner, you have to write RSVP, name and contact number. And on the right side, if you want, you can write, but it's not necessary, with best compliments and wishes. Okay? Hope it is clear to you. Okay, students. So, let's take an example. See, first I write here, Delhi Public School, Lucknow. So, name of the institution. Then the word itself, invitation. Then, name of the invitee, the person, the principal, staff members, and all of the students solicit the presence of your company, Mrs. and Mr. Satish Sharma, father of Aryan Sharma, class 8, on the auspicious occasion of, humne yahan pe name of the occasion likha, like the annual day celebration, on day, date, at venue ka kahan pe ho raha hai, school auditorium, at 7 PM, and on the left corner RSVP, designation, principal, DPS, Lucknow. So hai na kitna easy, aap ab aapko lag raha hai ki aap likh sakte ho. तो आपको ये जो फॉर्मेट है अपने दिमाग में बिठा लेना है और इस फॉर्मेट से आप कोई भी फॉर्मल इनविटेशन लिख सकते हो. ओके सी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
ये आपका प्रीवियस ईयर से ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो देखो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण ऑफ 48 कमल कुंज वाराणसी विच दे मे यूज टू इनवाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन रोहन एट देयर रेजिडेंस ऑन 28 दिसंबर 20xx। तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक इनविटेशन को ड्राफ्ट करना है किसके बिहाफ पे, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण के बिहाफ पे। आपको एड्रेस भी गिवन है क्वेश्चन में, एंड विच दे मे यूज टू इनवाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑन द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन रोहन। तो आपको यहाँ पे एक बर्थडे कार्ड, बेसिकली बर्थडे इनविटेशन क्रिएट करना है और एट देयर रेजिडेंस ऑन 28 दिसंबर 20xx। तो इस डेट को है और आपको सब कुछ मेंशन है, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, बस आपको एक इनविटेशन क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले अपना एक बॉक्स क्रिएट करना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो गिवन ही नहीं है, तो डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट द वर्ड इन्विटेशन इटसेल्फ, राइट इन्विटेशन इन कैपिटल लेटर, देन द नेम ऑफ द इन्वाइटी मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। अब एक एक्सप्रेशन आपने कोई भी यूज करना है, रिक्वेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द स्टीम कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द नेम ऑफ द ओकेजन 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन रोहन, ओके, ऑन डेट, डेट इज ऑलरेडी गिवन, आई थिंक आई राइट द रॉन्ग डेट हियर, यू कैन राइट हियर 28 दिसंबर 20xx, ओके, फ्राइडे 28 दिसंबर 20xx एट डेट एट देयर रेजिडेंस एंड द वेन्यू, वेन्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 48 कमल कुंज वाराणसी, क्योंकि ये उसी उन्हीं की रेजिडेंस पे हो रहा है और उनके रेजिडेंस का एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, ओके। देन इन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर RSVP मिस्टर एंड मिसेस राजकरण कॉन्टैक्ट नंबर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब आपको एक काम करना है स्टूडेंट्स, आपको और क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर से लेने हैं इनविटेशन के, एंड आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। एंड नाउ वी नो हाउ टू राइट फॉर्मल इनविटेशन, राइट। अब हम देखते हैं फॉर्मल रिप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई इनविटेशन आ रहा है तो जनरल सी बात है आप उसको रिप्लाई भी करेंगे। सो हाउ विल यू राइट अ रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई। अब रिप्लाई भी दो तरह से होते हैं, रिप्लाई के दो टाइप्स होते हैं, लाइक आप रिफ्यूज करोगे या एक्सेप्ट करोगे अपना इनविटेशन जो आपके आया है। तो हाउ विल यू राइट रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई। सो लेट्स सी, फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट, ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होता है, इट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, हमेशा आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। The quality of a good reply is that it must always be pleasant. Okay, हमेशा आपका जो reply जो quality होती है अच्छे reply की, it must always be pleasant. Formal reply demand a formal tone and treatment. ये एक बहुत ही formal तरीके से लिखना होता है, आपको formal tone में लिखना होता है। Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. अगर आप मना भी कर रहे हो कि मैं नहीं आ सकता, यू नो आई एम नॉट अटेंडिंग, आई एम डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, सो यू मस्ट बी पोलाइट एंड सॉफ्ट, ओके, कर्टियस, ओके। एंड यू डोंट हैव टू गिव स्पेसिफिक रीजन, लाइक यू नो आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, लाइक आप इस सर्टेन रीजन से नहीं आ रहे हो, नो आपको कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं देना, क्योंकि सिंस दिस इज फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, तो आपको बहुत ही फॉर्मली जवाब देना है, फॉर्मली मना करना है, फॉर्मल टोन में मना करना है, ओके। सो आप कैसे लिखेंगे, नो स्पेसिफिक रीजन लाइक आर गिवन फॉर रिफ्यूजल, ओनली एक्सप्रेशन लाइक प्रायर कमिटमेंट और प्रायर एंगेजमेंट एक्सेट्रा आर यूज, ओके। तो आपको इस तरीके से लिखना है, आपको कोई रीजन नहीं लिखना है, जस्ट यू हैव टू राइट ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट आई एम अनेबल टू कम, ओके।
एंड इन एन एक्सेप्टेंस, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिप्लाई, अगर आप एक्सेप्टेंस की फॉर्म में लिख रहे हो रिप्लाई को, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने हैं लाइक विल बी डिलाइटेड टू अटेंड इट, आर यू ओके, होप नाउ यू नो हाउ टू राइट फॉर्मल रिप्लाई एंड इट्स टाइप. ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट येस लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे. ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है ये एग्जाम्पल भी. सो यू नो यू हैव टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन. सो इन दिस क्वेश्चन इट्स ऑलरेडी गिवन दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अंकुश सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शंकर ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर. यू आर विक्रम गौर ऑफ राजा की मंडी आगरा. सो अब आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें एक्सेप्ट करना है रिप्लाई इन्विटेशन को और रिप्लाई ड्राफ्ट करना है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. एड्रेस गिवन है, नेम गिवन है एंड नेम ऑफ द इनवाइटी गिवन है. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता, यू जस्ट हैव टू राइट अ नोट और नथिंग एल्स, इट्स लाइक अ शॉर्ट नोट. ओके सो मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस शंकर फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश एट गिवन एड्रेस 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर ऑन दिस डेट and assure them that they will be present on the occasion to wish the newlyweds a very happy married life. Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 a.m. and name Vikram Gaur, 5th May 20XX. So this is how you will write reply. Hope this is clear. Let's take another example. You are Arjun Nisha. You have been invited by the youth club of your locality to act as one of the judges for an inter-school group song competition organized by the club. But unfortunately, you cannot accept this invitation due to previous engagement. Write to the secretary of the club regretting your inability to accept the invitation. So in this invitation, in this question, you have to decline or refuse the invitation. So everything is given in the question. You just have to draft a invitation reply. Okay. So how will you do that? You have to write in a formal tone. Okay. So Nisha, thank you. The secretary of the youth club for inviting her to act as one of the judges for an inter-school group. Song competition on 4th May 20XX, but regret her inability to accept the invitation owing to some prior engagement, or you can write prior commitment. So the inconvenience is regretted, Nisha, and date. So, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ थैंक यू करके आपको, आपने कोई भी एक रीजन नहीं देना, स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है यहाँ पे, सिर्फ सिंपली मेंशन करिए ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट द इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड. यू कैन राइट अपॉलोजीज फॉर द इनकन्वीनियंस एज वेल. यू कैन राइट एनी एक्सप्रेशन हियर एंड नेम एंड डेट. सो दिस इज हाउ यू विल राइट. फर्स्ट आपने थैंक यू किया कि मुझे इनवाइट किया, एंड देन आपने इन्फॉर्म कर दिया, रिग्रेट कर दिया दैट यू नो ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट यू विल नॉट अटेंड दिस कॉम्पिटिशन. ओके सो होप इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ यू नो हाउ टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन एंड इट्स रिप्लाई. In next video, we will cover informal invitation. Okay, hope you like the video. Students,
एंड प्लीज डू रेगुलर प्रैक्टिस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.